पेट्रोल की कीमत में लगातार सातवें दिन भी बढ़ोतरी जारी रही। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि के साथ 110 रुपये 4 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर रही। आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल की कीमतें अब बढ़कर 115 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर हो गई हैं, जबकि डीजल की कीमत 106 रुपये 63 पैसे चल रही है, जो सभी महानगरों में सबसे अधिक भी है। देश भर में भी पेट्रोल की कीमतें 35 से 40 पैसे प्रति लीटर के बीच बढ़ी हैं, लेकिन पेट्रोलियम उत्पादों पर स्थानीय करों के साथ के आधार पर उनकी खुदरा दरें भिन्न हैं। ईंधन की कीमतों में अब लगातार 6 दिनों में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले कुछ दिनों तक स्थिर रहने के बाद पिछले 5 दिन में एक बार फिर ईंधन की कीमतों में करीब 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। डीजल की कीमतें पिछले 39 दिनों में से 31 बार बढ़ी हैं, जिससे दिल्ली में इसकी खुदरा कीमत में इस दौरान 10 रुपये प्रति लीटर से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। डीजल की कीमतों में तेजी से वृद्धि के साथ देश के कई हिस्सों में ईंधन अब 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर मिल रहा है। यह दिल्ली में भी निशाना को तोड़ने के बहुत करीब है, जहां सोमवार को यह तेजी से 98 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।